अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबलों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब पूरी दुनिया में इसी के चर्चे हो रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इतने ज्यादा मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। आज बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग। पाकिस्तान की बॉलिंग का तो पूरी दुनिया में डर बैठ चुका है और खौफ है शहीन का, नसीम का और हारिस का। क्या इंडिया के पास इतना दम है उनकी बॉलिंग में, बुमराह के पास, सिराज के पास या शामी के पास, कि वो पाकिस्तान को आउट कर सके या वर्ल्ड कप जिता सके इंडिया को? तो आज इनका कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग कहाँ ऊपर है और इंडिया की बॉलिंग कहाँ नीचे है। लेकिन फिर भी इंडियन फैंस के लिए और पाकिस्तानी फैंस के लिए एक स्पेशल वीडियो है, तो बिना टाइम ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल सीधा सा है कि क्या इंडिया मुकाबला कर सकेगा पाकिस्तान की, जो कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, और क्या इंडियन बॉलर्स पाकिस्तान बॉलर्स का मुकाबला कर पाएंगे? जिस लेवल की बॉलिंग पाकिस्तान करता है और जिस लेवल का खौफ पाकिस्तान ने बिठा दिया हुआ दुनिया पे, क्या इंडियन टीम उसको मैच कर सकेगी? मैंने अभी देखा है इमरान, खौफ है उनके चेहरों पर। इंडिया के जो एंकर्स हैं वो इस टाइम डरे हुए हैं और उनकी टीम सेटल नहीं है। फैसल, पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया फेवरेट है और क्लियर कट तरीके से नहीं बता पा रहे, और दूसरी तरफ जब सवाल होता है कि क्या पाकिस्तान फेवरेट है वर्ल्ड कप के लिए, तो साफ जवाब आता है कि पाकिस्तान फेवरेट है और इंडिया की तरफ से इस टाइम डाउट में है वो, क्योंकि उनको पता है कि हमारी टीम इस टाइम जो है वो सेटल्ड ही नहीं है। देखें फैसल भाई, इस टाइम में पाकिस्तानी बॉलर्स का इंडियन बॉलर्स का मुकाबला करना पाकिस्तानी बॉलर्स की मैं तोहीन समझूंगा, क्योंकि जो उनकी क्लास है इस टाइम पे और इस टाइम पे जिस पीक पे वो बॉलिंग करवा रहे हैं। अब इंडिया के बॉलिंग आपको पता है हाफ इंजर्ड है, हाफ फ्राई हाफ कुक वाला साहब हुआ है उनका, कि बुमराह भी अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, अच्छे बॉलर होते थे लेकिन अभी नहीं है। फिलहाल शामी अपने पीक को खत्म हो चुके हैं, अब थोड़ा एज का फैक्टर भी आ गया हुआ है। सिराज एक आप कह सकते हैं न्यू बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो टेस्ट में अच्छी करवाते हैं, ओडीआई में अभी तक उनका दबदबा नहीं है। और पाकिस्तान के जो ये बॉलर हैं तीन, वैसल भाई, ये किसी भी फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान का नाम बना चुके हुए हैं और इनसे पूरी दुनिया डर रही है, और क्लियर कट इसका कोई मुकाबला यहाँ पर बनता नहीं है। लेकिन हम इस वजह से वीडियो बना रहे हैं कि आप देखें, पाकिस्तान तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो तो इंडिया के बैट्समैन को आराम से जो मुझे लगता है निपटा देंगे, लेकिन क्या इंडियन बॉलर्स पाकिस्तानी बैट्समैन को निपटा सकते हैं? मुझे वो भी डाउट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब बैटिंग में इतनी ज्यादा क्लास आ चुकी हुई है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप का मुकाबला कौन सा दूर रह गया, एक माह से कम टाइम का रह गया। बाबर को आउट करना, शहीन को आउट करना, फखर को आउट करना कोई आसान काम है? इस टाइम जो हमारी बैटिंग लाइनअप है उसमें तीन ऐसे बैट्समैन है जो टॉप फाइव में आ रहे हैं, फखर, इमाम और बाबर, ये टॉप फाइव के बैट्समैन है दुनिया में इस टाइम जो रैंकिंग्स आ रही है उसमें टॉप फाइव के बैट्समैन। उसके अलावा रिजवान को ले लें, साउथ विकील को ले लें, सलमान अली आगा को ले लें, तो वाकई आपने कहा कि इस टाइम बैटिंग भी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उन बॉलर्स के लिए इनको आउट करना बड़ा मुश्किल होने वाला है फिलहाल। और आपको मैंने बताऊं कि जो एक तो पाकिस्तान इंडिया वैसे बायलैटरल खेलते नहीं है, लेकिन अब जब सीजन ऑन होने वाला है तो फिर लगातार मैचेस आएंगे, लगातार मैचेस, और ये जो एशिया कप के मैचेस हैं उसने डिटरमिन करना है कि वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट कौन है। तो देखिए फैसल भाई, इंडियन जो बॉलिंग लाइनअप है मुझे लगता है ये 9 टीमें जो खेल रही हैं, 10 टीमें खेल रही हैं इस वर्ल्ड कप में, 7वें 8वें नंबर पे उनका नाम आता है अफगानिस्तान और नेदरलैंड से ऊपर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बॉलिंग देख लें बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है, इंग्लैंड की बॉलिंग देख लें जिस तरह मार्क वुड ने बॉलिंग कराई है एशेज में, बहुत जबरदस्त बॉलिंग है उनकी, आर्चर अब उनके वापस आ गए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के बाद ट्रेंट बोल्ट वापस आ गए, वो रिटायरमेंट से वापस आ गए जो उन्होंने रेस्ट लिया हुआ था ओडीआई क्रिकेट से। हर टीम के पास, साउथ अफ्रीका के पास एंड्रिज नोकिया है, लेकिन हर पाकिस्तान के पास शहीन है, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ है, इंडिया के पास क्या है दिखाने को, खेलने को क्या है? अभी तो ये अपने जो मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी रोहित शर्मा ने कल बयान दिया कि उनके पास नंबर 4 नहीं है, ये किस मुंह से फेवरेट है, एक ही, क्या एक टीम है? एक ही सिचुएशन इनको हक में इनके आ सकती है कि ये स्पिनिंग विकेट बनाए और स्पिनर से एक मैच जीतने की कोशिश करें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में वाकई बहुत वीक है इस टाइम। आप जो एक होती है ना फास्ट बॉलिंग, जो स्पेयर फास्ट बॉलिंग होती है जिसमें आप कहें 150 प्लस की जो बॉलिंग होती है, वो तो इनके पास एक भी बॉलर नहीं है। उस तरह का बॉलर ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, इंग्लैंड के पास मार्क वुड है, पाकिस्तान के पास हर बॉलर ही 145 प्लस वाला है, लेकिन इंडिया के पास एक बॉलर भी ऐसा नहीं है कि जो कि आपको ऐसा डेड विकेट्स में आपको विकेट लेके दे सके। चले ये मुकाबले तो बड़े जबरदस्त होने वाले हैं, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वैसल भाई बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है इंडिया के मुकाबले में। भाई आप ये मुझे बताएं कि इंडियन मीडिया इस टाइम पाकिस्तान को क्लियर कट फेवरेट कहने से कतरा क्यों रहा है हमेशा की तरह? वो आज मैं देख रहा था प्रोग्राम में, एक उनका जो एंकर है वो बैठा हुआ कह रहा था कि यार क्यों नहीं आप कह रहे कि पाकिस्तान फेवरेट है, उन्होंने कहा नहीं जी इंडिया ही फेवरेट है, हालांकि इस टाइम आप ऑन पेपर देखें इंडिया की टीम तो नजर ही नहीं आ रही। तो वैसे भी आप क्या चाहते हैं अपनी दुकान बंद कर लें? वो उनका आपको पता है कि जो मीडिया है वो कहाँ का इन्फ्लुएंस है, वो इंडियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस मीडिया होता है, तो वो अपने ये बात करके
वो अपने आप में खिलाड़ी तो नहीं मारेंगे ना पाओ में, और अपनी दुकान तो बंद नहीं करेंगे, उनको तो बैन लग जाना है। नहीं, जब हमारे यहाँ पर एंकर्स बैठते हैं या टॉक शोज होते हैं तो हम जब इंडिया फेवरेट था तो पाकिस्तान का आजाद मीडिया ना यार, आजाद मीडिया और आपको पता है कंट्रोल्ड मीडिया में बड़ा फर्क होता है, लेकिन आपकी सारी बातें समझ आ रही है। ये चीजें उनको हजम क्यों नहीं हो रही कि पाकिस्तान टीम अब पकड़ रही है और दूसरी जो टीम है इसमें डिप कर रही है, और पाकिस्तान उनको मिडिल ऑर्डर का पता नहीं है, उनकी बॉलिंग अभी सेटल नहीं है, लेकिन वो कहने से अभी भी कतरा रहे हैं, अभी भी इंडिया को फेवरेट करार दे रहे हैं। चले 50-50 कह लें ना, कम से कम कहें कि मुकाबला पल्ले का होगा, लेकिन आप कह रहे हैं जी इंडिया अभी भी फेवरेट है। अगर पोटेंशियल पे खेल गया, अगर अगर इंडिया ने अपनी पोटेंशियल से नीचे आके खेला तो पाकिस्तान हरा सकेगा, अगर इंडिया अपनी पोटेंशियल पे खेलिया तो पाकिस्तान नहीं हरा सकेगा। तो ये कौन सी बातें हो रही है, घुमा फिर आगे बातें करें और अपनी तसल्ली दे रहे हैं अपनी आवाम को फिलहाल, तो मुझे ऐसा लगा ऐसे ही है। लेकिन अभी दोबारा से बाद रहा आगे चली गई है, लेकिन पाकिस्तान वैसे इंडिया की बॉलिंग में क्लियर, पाकिस्तान की बॉलिंग जीत रही है। तो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, मुकाबला ही कोई नहीं है, वन साइडेड ही है, मुकाबला बिल्कुल नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।